अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए जो कॉफी बहुत पसंद करते हैं। मुझे खुद भी कॉफी बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए इंटरनेट से ये फिलिप्स की 22 सीरीज लाटेगो मशीन ऑर्डर की थी, जो मुझे रिसीव हुई है। ये मुझे इस पैकेजिंग ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हुई थी और मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। चले मैं आपको इसको यूज करके बताती हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसमें आप कौन कौन सी कॉफी को बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कीजिएगा और साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत और यूनिक सी मशीन है। इसमें आप एस्प्रेसो, कॉफी लाटे और कैपेचिनो, ये कॉफी बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल हॉट वाटर चाहिए तो आप इससे नॉर्मल हॉट वाटर भी ले सकते हैं। चले मैं अब आपको कॉफी बना के और इसको स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे स्टार्ट होती है और हम इसमें कैसे कॉफी को बना सकते हैं। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये ग्राइंडेड कॉफी भी यूज कर सकते हैं और कॉफी बीन्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने ग्राइंडेड कॉफी यूज करनी है तो इसके साथ ये स्पॉन या मेयरमेंट कप, जो भी आप इसको बोले आप कह सकते हैं, ये आता है। इसमें आपने नॉर्मल ग्राइंडेड कॉफी ली और आपने इस जगह पे इसको डाला और ये इजीली डल भी जाती है, और इसको वापस ऊपर से बंद कर दिया। और अगर आपने बीन्स यूज करने हैं तो बीन्स यूज करने के लिए आपको इस ट्रे को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके आपने यहाँ पे कॉफी बीन्स को ऐड करना है और नॉर्मली इस ट्रे को ऊपर से ऐसे करके इजीली बंद हो जाती है, बंद कर देना है। ठीक है, कॉफी बनाने के लिए आपको वाटर तो चाहिए होगा, तो ये इसके साथ, ये इसका वाटर टैंक है, इसके अंदर आपने पानी डालना है और ये इसके साथ फिल्टर आता है। फिल्टर फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने से पहले आप इस फिल्टर को एक दो मिनट के लिए पानी के अंदर डाल के रखें, नॉर्मल पानी के अंदर, और जब ये फिल हो जाए तो आप इस फिल्टर को यहाँ पे लगा दें। ये इसका वाटर टैंक है, वाटर टैंक के अंदर यहाँ पे लगाते हैं ताकि पानी फिल्टर होके आपकी कॉफी में आए। और अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ और बताती हूँ कि कितना पानी आप डाल सकते हैं। पानी डाल के हम इस टैंक को लगाते हैं, वाटर टैंक को, और फिर कॉफी बनाते हैं। फिल्टर लगाने के बाद वाटर टैंक में मैंने पानी डाल दिया है, और आप एक बात का ध्यान रखें कि ये यहाँ पे इन्होंने निशान दिया हुआ है, मैक्सिमम आप यहाँ तक पानी को फिल कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये निशान आपको नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ तक ही वाटर टैंक को फुल करना है। फिल करने के बाद आपने इसको नॉर्मली इजीली ये लग जाता है, इस वाटर टैंक को यहाँ पे लगा देते हैं, ये लग गया। ठीक है, मशीन को स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्ट के बटन को प्रेस करना है तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। मशीन जब स्टार्ट होगी तो साथ ही यहाँ पे कुछ लाइट्स ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएंगी, वो थोड़ी देर के लिए करेंगी। जब ये लाइट्स ब्लिंक करना रुक जाए देन आपने एक्वा क्लीन के बटन को प्रेस करना है, और 3 सेकंड के लिए आपने इसको प्रेस करके रखना है। और ये जब ऑन हो जाए, और इसके बाद मशीन टैंक से पानी लेगी और पाइप्स को क्लीन करेगी, क्योंकि जब इसको सबसे पहले यूज करने के लिए इस प्रोसेस का करना जरूरी होता है। और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप मेक श्योर कर लें कि कोई इस तरह का यहाँ पे नीचे बाउल रख लें, क्योंकि ये पानी क्लीन करेगी तो वो पानी सारा नीचे जाएगा और उसको आप बाद में डिस्कार्ड कर दें। तो चलिए मैं अब आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। मशीन को ऐसे प्रेस किया, ये स्टार्ट हो गई, देखिए लाइट्स ब्लिंक हो रही है। थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस तरह से कर रही है। जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्टार्ट होने के लिए टाइम लेगी। जब तक ये स्टार्ट होती है, मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम एक्वा क्लीन के बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए ऑन हो गया, अब ये क्लीन करेगी। अब इसको यहां से भी एक दफा प्रेस कर लेंगे,
ये मशीन को अंदर से क्लीन करने का प्रोसेस हो रहा है। कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं कॉफी बनाने के लिए कॉफी बीन्स यूज कर रही हूँ, आप ग्राइंडेड कॉफी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए कॉफी बीन्स डालते हैं। कॉफी भी ऐड कर दिए, उसके बाद आप ये ऊपर इसकी ट्रे लगा दे वापस। चलिए अब कॉफी बनाते हैं। मैं बनाने लगी हूँ एक्सप्रेसो। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन, जो भी आपने कॉफी बनानी है उसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैंने एक्सप्रेसो पे को प्रेस किया, सिलेक्ट किया, देन आपको यहाँ से ये जो लाइट्स आपको ऑन दिख रही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये इसलिए है कि आपको कितनी स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए, लाइट चाहिए, यहाँ से आप उसी हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप तीनों को ऑन कर दें, अगर नॉर्मल या लाइट चाहिए तो आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। मुझे लाइट चाहिए तो मैंने लाइट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपको इसलिए ये ऑप्शन इसलिए है कि आपको कितनी मिकदार चाहिए, कि आपको स्मॉल चाहिए कप कॉफी का, रेगुलर चाहिए या लार्ज चाहिए। तो मुझे स्मॉल कप चाहिए तो मैंने यहाँ पे स्मॉल कप का ऑप्शन सिलेक्ट किया। मैंने एस्प्रेसो को सिलेक्ट किया, उसके बाद से मुझे लाइट कॉफी चाहिए, मैंने उसकी ऑप्शन को प्रेस किया, और यहाँ पे मुझे स्मॉल कप चाहिए तो मैंने स्मॉल कप प्रेस किया। जब आप सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर चुकेंगे तो उसके बाद से आपने इस वाले बटन को प्रेस करना है। इस बटन को नहीं छेड़ना, इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी कॉफी बनना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए प्रेस करते हैं, कॉफी बनाते हैं। आपने उस वक्त तक मशीन को नहीं छेड़ना जब तक ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना कर ले। जब ये अपना सारा कॉफी को बना लेगी, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी, देन ये सब लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तब आपने दोबारा अगर दूसरी कॉफी बनानी है तो दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपेचिनो कॉफी बनाने के लिए इसके साथ मिल्क फ्रॉथर भी आता है, ये इसको आप इजीली अटैच कर सकते हैं और इसके अंदर आप मिल्क को ऐड करते हैं और फिर आसानी से कैपेचिनो कॉफी बन जाती है। ये कप इसको यहाँ से अंदर डाला और इसको आराम से आप नीचे से प्रेस करेंगे तो ये क्लिक की आवाज़ आएगी, तो इस आवाज़ से पता चलेगा कि अच्छे से एडजस्ट हो गया है और फिर ये इजीली लग जाता है। आप इसको ऐसे आराम से प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। अब इसके अंदर आप मिल्क को ऐड करेंगे और फिर कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे, कैपेचिनो कॉफ़ी। और आप कप को भी ऐड कर दें और ये इसके जो नोजल्स होते हैं इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कप बड़ा छोटा है तो उस हिसाब से आप नोजल को भी आसानी से एडजस्ट, ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। चलें फिर कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉफी बनाने से पहले मैं आपको इस मशीन का बता दूं कि ये मैंने अपने लिए इसलिए सिलेक्ट की थी कि ये एक लेटेस्ट मॉडल है, इसमें आप एक वक्त में दो बंदों के लिए भी कॉफी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका 1 और 2 का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपने दो बंदों के लिए कॉफी बनानी है तो आपने 2 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, अगर एक बंदे के लिए बनानी है तो आप 1 का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके 2 नोजल भी लगे हुए हैं, आप दोनों साइड पे कप्स को रख के 1 और 2 नोजल लगे हुए हैं, आप इन दोनों नोजल से 2 कप कॉफी आराम से बना सकते हैं। कॉफी कैपेचिनो बनाने के लिए हम कैपेचिनो के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से थोड़ी सी मीडियम कॉफी का ऑप्शन सिलेक्ट किया है और यहाँ से हम इसको
रेगुलर कर लेते हैं। ठीक है, ये हम जब हमने सबसे पहले कैपुचिनो को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से मैंने मीडियम लिया और रेगुलर कॉफी को, और कैपुचिनो बनाने के लिए आपको मिल्क की भी जरूरत होगी तो मैंने मिल्क फ्रॉथर में मिल्क को ऐड कर दिया है और यहाँ से ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से नॉर्मल हम बटन को प्रेस कर देते हैं और ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हम एक कप कॉफी लाटे बनाते हैं। आपने यहाँ से कॉफी लाटे को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको, चलिए अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और यहाँ पे आधा कप स्मॉल कप बनाती हूँ और यहाँ से इस ऑप्शन को आप यहाँ इस बटन को प्रेस कर दें। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है और इस मशीन में आप घर में रह के आसानी से अपनी मर्जी की कॉफी को बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में आप कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आप उनके घर में कौन सी मशीन यूज होती है और आप कौन सी कॉफी पसंद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।